मसीह समाज ने रविवार को पाम संडे के अवसर पर हाथों में खजूर की डालियां लेकर प्रभु यीशु के आगमन का इजहार करते हुए उस घटना को याद किया जब यीशु मानवीय रूप में गधे के बछड़े पर सवार होकर नगर में प्रवेश करते हैं और जनता उनके स्वागत में सड़क पर अपनी चादर फैला देते हैं, जिस पर आगे आगे यीशु और पीछे पीछे जनता नारा लगाते हुए चल रहे हैं, होसन्ना धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आते हैं। इस घटना को याद करते हुए मसीह समाज आज पाम संडे मना रहा है। रविवार शाम 4 बजे हस्बैंड स्कूल से सेंट एंसलम चर्च तक खजूर की डालियों को हाथ में लिए मसीह समाज के लोग विभिन्न झांकियों को प्रदर्शित करते हुए पहुंचे। मुख्य झांकियों में रॉबसन मेमोरियल चर्च द्वारा यीशु का यरूशलम में प्रवेश, दूसरी झांकी सेंट जॉन्स चर्च द्वारा प्रभु यीशु का पहाड़ी पर उपदेश, तीसरी झांकी सेंट ल्यूक मेथोडिस्ट चर्च द्वारा अंतिम भोज, चौथी झांकी सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च द्वारा प्रभु यीशु अपने शिष्यों के पैर धोते हुए, पांचवीं झांकी सोफिया मदर हाउस द्वारा वेरोनिका यीशु का चेहरा पोंछते हुए, छठी झांकी सेंट फ्रांसिस हॉस्पिटल और नर्सिंग कॉलेज द्वारा स्वास्थ्य पर आधारित, सातवीं झांकी सेंट जूड्स चर्च हाथीघेड़ा द्वारा प्रभु यीशु द्वारा क्रूस लेकर जाना, आठवीं झांकी सेंट जोसेफ चर्च पर्वतपुरा द्वारा सैनिकों द्वारा प्रभु यीशु को बांधना, नवीं झांकी माउंट कार्मेल चर्च द्वारा प्रभु यीशु का सूली पर चढ़ाया जाना, दसवीं झांकी आरसी चर्च भट्टा द्वारा प्रभु यीशु क्रूस पर से उतारे जाने के बाद माता मरियम की गोद में, ग्यारहवीं झांकी इमाकुलेट कंसेप्शन कैथेड्रल चर्च द्वारा करुणा वर्ष पर आधारित और बारहवीं झांकी रोसरी चर्च द्वारा प्रभु यीशु का पुनरुत्थान की रही। फादर कॉस्मो शेखावत और बिशप पायस थॉमस डिसूजा ने पाम संडे की जानकारी देते हुए बताया। प्रभु यीशु क्रिस्त का जेरूसलम में प्रवेश करना का वो खजूर इतवार मना रहे हैं, जिसे हम पाम संडे कहते हैं। प्रभु यीशु क्रिस्त को लोगों ने राजा के रूप में स्वीकारा और एक गधे पर सवार होकर यरूशलेम में एक विजयी राजा के समान उन्होंने प्रवेश किया। लोगों ने उनके रास्ते पर कपड़े बिछाए, पेड़ों की डालियां काट कर डाली और हाथ में खजूर की डालियां लेकर वो चिल्ला उठते थे, दाऊद के पुत्र होसन्ना। एक प्रतीक है कि अपने आप को एक साबित करते हैं कि इनका समय अब पूरा हो चुका है और अब ये मृत्यु को प्राप्त करने जा रहे हैं। उनको मालूम है, फिर भी वो यरूशलेम में प्रवेश करते हैं ये बताने के लिए कि वो राजा है और ना सिर्फ राजा, वो हमारे मसीहा हैं और हम लोगों के लिए अपने आप को क्रूस पर निछावर करने वाले हैं। आज के दिन तकरीबन 20 चर्च के सदस्य यहाँ पर उपस्थित होते हैं और उसमें कम से कम 3,000 से 4,000 तक के लोग यहाँ जुलूस में भाग लेंगे, विभिन्न झांकियों के द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। सर्वधर्म मैत्री संघ की ओर से शनिवार शाम सेंट मैरीज कॉन्वेंट स्कूल प्रांगण में सर्वधर्म मैत्री प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मौजूद सभी धर्मों के लोगों और अनुयायियों ने देश में प्रेम, भाईचारे और खुशहाली की दुआ की। वहीं आगामी पर्व होली, गुड फ्राइडे, ईस्टर और ख्वाजा साहब के उर्स को लेकर भी सभी धर्मों के लोगों ने अपनी अपनी परंपराओं और रीति रिवाजों के अनुसार शांति और भाईचारे के लिए प्रार्थना, दुआ, अरदास और प्रेयर की। कार्यक्रम में जैन धर्म से प्रकाश जैन, बौद्ध धर्म से गुणवंत सुमन और रामचंद्र सोलंकी, ईसाई धर्म से फादर कॉस्मो शेखावत, सिस्टर ज्योत्सना, सिस्टर मारसिना, सिख धर्म से दिलीप सिंह छाबड़ा और सरदार कश्मीर सिंह, मुस्लिम धर्म से शाहनवाज और हिंदू धर्म से राकेश कटारा और राजेंद्र सिंह मुख्य रूप से सर्वधर्म मैत्री प्रार्थना सभा में मौजूद रहे। सर्वधर्म मैत्री संघ के सभी सदस्यों ने सेंट मेरीज कॉन्वेंट स्कूल के स्थित ग्रोटो के समक्ष खड़े होकर सभी धर्मों की प्रार्थना के माध्यम से पूरे शहर वासियों को
और राष्ट्र के सभी लोगों को संदेश दिया कि जो भी त्यौहार हो उनको बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाना चाहिए, बिना किसी द्वेष और बिना किसी विद्रोह की भावना के साथ, क्योंकि इस माह आने वाली होली का पर्व, ईस्टर, गुड फ्राइडे और अगले माह में आने वाला उसका उत्सव बिल्कुल सामने खड़ा है। तो हम सब लोग ये चाहते हैं और एक संदेश देना चाहते हैं कि सभी त्यौहारों को बहुत आनंदपूर्वक और हर्षोल्लास से मनाना है।